आज का ये मुकाबला है दो ऐसे किंग्स के बीच जो वास्तविक दुनिया से अपना नाता नहीं रखते, पर मॉन्स्टरवर्स की दुनिया में इन दोनों से जीतना तो दूर, कोई इसे आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। बहुत कम ही ऐसे कायजू हैं जो इन दोनों राजाओं को खुली चुनौती देने की हिम्मत कर सकता है, क्योंकि इसके पावर एंड एबिलिटी के सामने सबको झुकना ही पड़ता है, अब चाहे वो पुष्पा ही क्यों ना हो। खैर, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कल आइलैंड का रक्षक किंग कॉन्ग की और गॉडज़िला का सबसे बड़ा दुश्मन किंग गिद्धोरा की। क्या होगा जब दोनों किंग आपस में भिड़ जाए? कौन होगा इस महामुकाबले का विनर? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कॉन्ग स्कल आइलैंड का रक्षक है, या ये कहना उचित होगा रक्षक था, क्योंकि अब इसका राज हॉलो अर्थ में है, जहां सबसे शक्तिशाली और वहां का किंग कॉन्ग ही है। क्योंकि हम स्कल आइलैंड में ही देख चुके हैं कि किस तरह से कॉन्ग ने आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स को किसी मक्खी की तरह मसल कर रख दिया था। कितने आसानी से कॉन्ग ने स्कल क्रॉलर को हमेशा की नींद दी थी, क्योंकि स्कल क्रॉलर के जीव को यूं पकड़कर निकाल देना हर किसी के बस की नहीं होती। खैर, ये तो बात थी कम उम्र के कॉन्ग की, क्योंकि पहली बार हमें एडल्ट कॉन्ग को गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग में देखने को मिला, जो कि स्कल आइलैंड में देखे कॉन्ग से काफी विशालकाय था, और इसकी ताकत हमें तब देखने को मिली जब इसने काफी आसानी से एक शिप को भी पलट दिया। मॉन्स्टर के राजा गॉडज़िला को पानी के अंदर कड़ी चुनौती थी और किसी खिलौने की तरह वॉरबेट को पटक दिया। पर असल ताकत कॉन्ग ने तब दिखाया जब इसकी लड़ाई जमीन में गॉडज़िला से हुई, क्योंकि कॉन्ग ने कई लाखों टन गॉडज़िला को भी धक्का देकर जमीन में गिरा दिया। और कॉन्ग का जलवा यहीं नहीं रुका, बल्कि इसने मेका गॉडज़िला को भी तबाह कर दिया। तो अब आपके मन में ये सवाल नहीं रहा होगा कि कॉन्ग कितना शक्तिशाली है। लेकिन जब हम बात ड्यूरेबिलिटी की करें तो शायद इस मामले में कॉन्ग थोड़ा पीछे हो सकता है, क्योंकि हम स्कल आइलैंड में देख चुके हैं कि किस तरह एक हेलीकॉप्टर के ब्लेड ने कॉन्ग के हाथों को काफी नुकसान पहुंचा दिया था। अपने ऊपर हुए ढेरों बुलेट्स की बौछार से कॉन्ग परेशान हो गया था। हालांकि ये कमजोरी हमें गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग में देखने को नहीं मिली, पर चूंकि कॉन्ग के पास ना तो मजबूत आर्मर है और ना ही इसके पास गॉडज़िला या किंग गिद्धोरा की तरह स्केलीबोन है, इसलिए ड्यूरेबिलिटी में कॉन्ग के पास ज्यादा एज नहीं है, या यूं कहा जा सकता है कि ड्यूरेबिलिटी ही कॉन्ग का वीकेस्ट पॉइंट है। तो इससे पता चलता है कि कॉन्ग किंग गिद्धोरा जितना हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बात कॉन्ग के स्पीड की करें तो यकीन मानिए, ये विशाल वानर अपने फुर्ती के लिए ही बना है, क्योंकि इतने विशाल शरीर के साथ इतना फुर्ती होना, ये कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली हो जाता है। और जब बात इंटेलिजेंस की आती है तो कॉन्ग जितना इंटेलिजेंट शायद कोई दूसरा काइजू नहीं है, क्योंकि इसे पता है कि चीजों को कैसे हथियार बनाया जाए। जैसे कि इसने स्कल क्रॉलर पर एक बड़ी चट्टान से हमला करके उसका मुंह तोड़ दिया था, एक विशाल पेड़ को किसी हथियार की तरह इस्तेमाल किया था, और एक बोट प्रोपेलर को एक खतरनाक हथियार की तरह यूज किया था। तो ये तो तय है कि बैटल में कॉन्ग अपना हथियार हमेशा बना लेता है, और जब इसके पास इसकी कुल्हाड़ी है तब तो बात ही क्या है, क्योंकि इसी कुल्हाड़ी के सहायता से इसने गॉडज़िला और मेका गॉडज़िला को भी काफी डैमेज दिया था। तो एक्स के साथ एक कॉन्ग किंग गिद्धोरा के लिए खतरा बन सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें किंग गिद्धोरा की, तो ये गॉडज़िला का सबसे बड़ा और शक्तिशाली दुश्मन है। वो तो शुक्र है कि ये मॉन्स्टरवर्स में है, न कि रियल वर्ल्ड में, वरना हमारा सर्वाइव कर पाना नामुमकिन हो जाता। किंग गिद्धोरा एक तीन सिर वाला स्पेस मॉन्स्टर है, जो पहली बार हमें साल 1964 में आई गॉडज़िला मूवी में दिखा। और इस मॉन्स्टर की सबसे बड़ी खासियत है इसका आकार, क्योंकि इसके आगे विशाल गॉडज़िला भी काफी छोटा प्रतीत होता है। वहीं किंग गिद्धोरा का वजन भी काफी ज्यादा है, यानी लगभग 140,000 टन की है। तो इस बात से पता चलता है कि ये कितना शक्तिशाली होगा। यहाँ तक कि जब इसने गॉडज़िला को टक्कर मारी थी तब चारों ओर शॉक वेव जनरेट हो गया था। इसके पंखों में इतनी ताकत है कि इसने एक विशाल रोडेन को भी पकड़कर आसमान में उड़ गया था। यहाँ तक कि इसने एक बार गॉडज़िला को भी काफी ऊंचाइयों में ले जाकर उसे जमीन में पटक दिया था। यानी लाखों टन के वजन को लेकर उड़ना किंग गिद्धोरा के लिए किसी बच्चों का खेल जैसा है। यानी ताकत में ये कहा जा सकता है कि किंग कॉन्ग किंग गिद्धोरा के आसपास भी नहीं ठहरता। वहीं अगर हम बात करें किंग गिद्धोरा के ड्यूरेबिलिटी की, तो ये कितना ड्यूरेबल है आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसके ऊपर हुए बुलेट्स के हमले मानो छोटे कंकड़ से भी कम था।
यहाँ तक कि इसने अपने पंखों से मिसाइल की दिशा को भी बदल दिया था। ये इतना ड्यूरेबल है कि इसने गॉडजिला के कई खतरनाक हमलों को काफी आसानी से झेल लिया। गॉडजिला का फाइनल अटैक यानी एटॉमिक ब्रेथ भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और किंग गिदोरा को ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि इस हथियार के कारण कई विशाल जीव मारे गए। यहाँ तक कि गॉडजिला को भी काफी घुटन होने लगी और वो लगभग मरने ही वाला था, पर किंग गिदोरा अपने पोजीशन में ही टिका रहा। अब इतना सब काफी नहीं है तो इतना जान ले कि किंग गिदोरा की हीलिंग फैक्टर लाजवाब की है, क्योंकि किसी तरह जब गॉडजिला ने इसके सिर को धड़ से अलग कर दिया था तब कुछ ही देर में एक नया सिर निकल आया। वहीं इसके सबसे शक्तिशाली पावर की बात करें तो इसके ग्रेविटी बीम से बच पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी बीम गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ जितना ही शक्तिशाली है, या ये कहा जा सकता है कि उससे भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने गॉडजिला को भी अपने ग्रेविटी बीम से काफी दूर फेंक दिया था, रोडेन को भी तबाह कर दिया था और मोथरा को किसी खिलौने की तरह मार डाला था। तो इतनी सारी डिटेल्स के बाद ये समझना काफी आसान हो जाता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि इस बात से भी समझा जा सकता है कि किंग कॉन्ग और किंग गिदोरा दोनों ने गॉडजिला से लड़ाई करी, जिसमें से कॉन्ग तो कई बार गॉडजिला से पिट गया था, पर किंग गिदोरा मानो गॉडजिला को लगभग मार ही दिया था। तो फिल्म से ध्यान हटाकर दोनों की एबिलिटी को देखे तो साफ है कि किंग गिदोरा किंग कॉन्ग को काफी आसानी से हरा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर लिखें।